प्योर पीपल गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून जो जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे आप सब लोग बेटा ओके एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज के क्लास के अंदर हम लोग जो है वो स्टार्ट करें हमारे अक्टूबर 2021 में जो एनटी नेट का पेपर होना है उसके रिविजन सीरीज को, रिविजन सीरीज भी बोल दो और साथ में प्रैक्टिस सेशन बोल दो। ये जो लेक्चर है आज डे वन है, डे वन के ऊपर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे हमारे पेपर नंबर टू कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन जो है वो हमने इसके अंदर डाले हैं, कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स के हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हैं जो पेपर के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी यहां पे डाली गई है। मेन बात जो है वो ये है क्योंकि टाइम जो है बहुत ही कीमती है और हमारे पास कुछ कम भी है तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन के साथ में आंसर भी दे दिए आपको। मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा विद आंसर एक्सप्लेन करूंगा। ये जो फाइल है मैं साथ के साथ में जो है हमारे टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दूंगा तो आपको ज्यादा मत्था मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ बच्चों के यहां पे कमेंट आते हैं कि सर आप ना आंसर को छुपो लिया करो, पहले हम लोग जो है वो आपको आंसर देंगे उसके बाद फिर आप हमको बताया करो। देखिए वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि टाइम के अपने पास में भी शॉर्टेज है तो हम अभी उस मोड पर नहीं चल सकते। तो आंसर्स मैंने साथ के साथ में दिए हैं। आपको फायदा यह है कि बस आपको ये 20 से 25 मिनट की वीडियो या आधे घंटे की वीडियो जो है वो लगानी है और ये क्वेश्चन आपके जो है ऑन द टिप्स हो जाएंगे। ओके हाँ जी चलिए शुरुआत करते हैं डे वन। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का आ रहा है वो है ये NHB, अगर बात करूंगा नेशनल हाउसिंग बैंक का तो बोलते हैं NHB वॉज एस्टेब्लिश, NHB को एस्टेब्लिश किया 1987 में एज ए होली ओन सब्सिडरी ऑफ द RBI। होली ओन सब्सिडरी किसका था? RBI का। तो NHB होली ओन सब्सिडरी था RBI का। बट इसके अंदर कुछ खास बात अब की बार जो है वो क्या है, पहले ये NHB जो है ये होली ओन सब्सिडरी था RBI का लेकिन अब गवर्नमेंट ने RBI से इसका स्टेक टेक ओवर कर लिया। तो करंट में अगर क्वेश्चन आता है कि NHB क्या है तो आप बोलोगे भाई NHB इट्स ए होली ओन बैंक है अब किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है ना। तो मैंने नीचे लिखा भी है NHB होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज आफ्टर 24 अप्रैल 2019 के बाद में जो है वो NHB अब RBI का होली ओन्ड बैंक नहीं रहा, अब वो बैंक बन गया किसका, बोलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसका NHB का हेड ऑफिस जो है वो कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और NHB कैसे काम करेगा वो उसके एक्ट के द्वारा और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। पहली बात तो ये। तो सर जो RBI की होली ओन्ड सब्सिडरी थी उनके अंदर कौन कौन है, उनके अंदर टोटल मिला के 4 है। तो आज की डेट में प्रेजेंटली RBI की सब्सिडरी के तौर पे जो है वो कितनी है, 4 होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ RBI कितनी, 4। वो कौन कौन सी है, सबसे पहले DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भी आपके सेविंग बैंक होते हैं, सेविंग अकाउंट्स होते हैं कमर्शियल बैंक के अंदर, तो उन सेविंग अकाउंट्स के ऊपर जो है जो गारंटी जो कॉर्पोरेशन जो है वो प्रोवाइड करवाती है उसको बोलते हैं DICGC। तो ये DICGC जो है वो होली ओन्ड सब्सिडरी है किसका, RBI का। सेकंड इज द BRBN MPL भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, नोट छापने का काम जो है RBI ने इसको सौंप रखा है। तीसरा रेबिट बोले तो रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और चौथा जो है वो है IFTAS बोले तो इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। ये 4 जो है आज के डेट में ये फुली ओन सब्सिडरी किसका, RBI का। मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूं, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक जो है जब ये बनाया था तो ये होली ओन सब्सिडरी था किसका, RBI का। देश के अंदर जो है हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए NHB की जो है वो रचना की गई थी, करने वाला बॉडी कौन था, RBI था। लेकिन 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने RBI से NHB का स्टेक टेक ओवर कर लिया। तो आज के डेट में NHB जो है वो होली ओन्ड सब्सिडरी नहीं है RBI का, जबकि किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बात खत्म हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको यहां पे दे रखी है, वन इज लेबल एज असर्शन और दूसरा जो है वो है रीजनिंग। दोनों के बेस पर आपको नीचे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं वो आपको बताना है। चलो ये तो मैं आपसे पूछता हूं, असर्शन ए जो है वो ये बोलती है, मतलब देखो असर्शन रीजनिंग, असर्शन का मतलब जो है वो होता है बेसिकली एक स्टेटमेंट या फिर कोई एक फैक्ट। ओके कोई भी एक बात बोली जाती है, कोई एक फैक्ट बोला जाता है। ओके क्वेश्चन सेटर जो है वो जनरली ये मानता है उसने अपनी एक बात रखी वहां पे और वो ये उम्मीद करता है कि ये बात मेरी एकदम सही है। आपको उस स्टेटमेंट्स को पढ़ के आंसर करना पड़ता है कि क्या उसकी ये बात सही है या नहीं है, फिर उसके रीजनिंग पर जाना पड़ता है कि ऊपर जो फैक्ट बोला गया क्या नीचे वाले जो स्टेटमेंट है वो उसको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, कुछ इस तरीके से। चलो देखते हैं, बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, आपको मालूम है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण बोलते हैं हम इसको। ग्लोबलाइजेशन का मतलब जो है वो क्या होता है, जब कंट्रीज जो है वो अपनी इकोनॉमी के डोर्स को ओपन कर दे उसको बोलते हैं आप लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन रेफर टू, ग्लोबलाइजेशन का मतलब यहां पे बोला गया इट रेफर टू फ्रीली, इसका मतलब जो बैरियर्स हैं, जो बैरियर्स हैं आप उनको हटा दोगे,
ग्लोबलाइजेशन में यही तो है, अगर बैरियर लगा दिया तो कंट्री ग्लोबलाइज हो नहीं पाएगी। ग्लोबलाइज कंट्री को बोलते हैं हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। ओके, तो ओपन इकोनॉमी के अंदर आप बैरियर्स को क्या करते हो, रिमूव कर देते हो। तो ये क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन रेफर टू फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। फ्रीली क्रॉस बॉर्डर मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या होगा, मूवमेंट होगा किसका, गुड्स का, सर्विस का, कैपिटल का, इन्फॉर्मेशन, पीपल। ओके जी, असर्शन एकदम सही है। रीजनिंग बोलते हैं कंट्रीज आर कंसिस्टेंटली, कंट्रीज जो है आज की डेट में अलग अलग देश जो है वो लगातार क्या कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर डेट आर WTO कंपेटेबल। देखो वैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करता है, बैरियर्स को हटाने का काम करता है, उसका मेन जिम्मेवारी ये भी है, क्योंकि अगर बैरियर्स हटेंगे तो ट्रेड फ्री फ्लो होगा और ट्रेड को फ्री फ्लो करना जो है वो मोटिव है किसका, WTO का। लेकिन आज की डेट में कंट्रीज जो है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर बाहर वाले कंपनीज हमारे कंट्री में आके काम करेंगे तो हमारे यहाँ के डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो पिछड़ जाएगी। तो हमारे यहाँ के लोग जो है वो क्या करते हैं, वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि बाहर वाले हमारे देश के अंदर ना आ पाए, मतलब यहाँ पे हमारा वाला सामान बिके, उसके लिए हम कुछ मार्केटिंग टाइप के बैरियर लेके आते हैं। ओके, तो ये बात भी जो है वो क्या है, सही है। नॉर्मल बैरियर जो टैरिफ बैरियर या नॉन टैरिफ बैरियर तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ हम इस तरह के बैरियर्स लगाते हैं जिनके ऊपर WTO ने रोक नहीं लगा रखी है। ओके, हाँ जी, दोनों बातें जो है वो क्या है, सही है, बट क्या दोनों बातों का कोई लेना देना है क्या, नहीं सर। तो नीचे जो है इसकी रीजनिंग के अंदर आपको बताना है, बोथ ए एंड आर दोनों जो है वो क्या है, ट्रू है, असर्शन और रीजनिंग दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, टू। थर्ड क्वेश्चन जी, बोलता है मैच द फॉलोइंग, आपको यहां पे जो है कुछ टेस्ट दे रखे हैं और फिर उनकी सिचुएशन बता रखी है, कौन सा टेस्ट किस सिचुएशन के अंदर जो है वो अप्लाई होता है। तो सबसे पहले जेट टेस्ट, जेट टेस्ट है आपका कौन सा, लार्ज सैंपल या स्मॉल सैंपल, सर लार्ज सैंपल टेस्ट होता है, तो ये जेट का हो गया। सेकंड अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट जो है वो क्या बोलते हैं, चार जगह पे हम इसको यूज करते हैं लेकिन उसमें से एक यहां पे बता रखे हैं, अनोवा का यूज है कंपेयर द डिफरेंस इन द मीन वैल्यू ऑफ द मोर देन टू सैंपल, दो से ज्यादा सैंपल ग्रुप जो होते हैं उनके मीन वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम लोग लेके आते हैं किसको, एनोवा। काई स्क्वायर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, इसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, जो आपके सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है उनके अंदर जो है एसोसिएशन को डेवलप करने के लिए। तो काई स्क्वायर टेस्ट है क्या, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट, जो दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स है उनके बीच में रिलेशन मेंटेन करने के लिए। एंड लास्ट है क्रूस्कल वॉलिस टेस्ट, इसको हम लेके आते क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए डिफरेंसिस इन द मीन वैल्यू ऑफ मोर देन टू सैंपल ग्रुप। तो इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा, इसका बनेगा ए का टू, बी का वन, सी का फोर, डी का थ्री। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, पहली बात होगी ये है NBFC क्या होती है। NBFC कोई भी एक ऐसी कंपनी जो बैंक जैसा काम करती है लेकिन वो बैंक नहीं है, लेकिन उसको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है कहां पे, RBI के पास में। NBFC अलग तरीके से आप खोल सकते हो। तो यहां पे बोलते हैं NBFC कंपनी कैन बी क्लासिफाई, NBFC कंपनी को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, एसेट फाइनेंस कंपनी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो सकती है, लोन कंपनी हो सकती है, बट फॉरेन ट्रेड कंपनी, क्या कोई NBFC फॉरेन ट्रेड कंपनी हो सकती है, भाई फॉरेन ट्रेड कंपनी का मतलब तो एक ऐसी कंपनी होती है सर जिसका मेन काम जो है वो क्या होता है, फॉरेन ट्रेड करना, जबकि NBFC का मेन काम जो है वो फंडिंग देना है। NBFC फॉरेन ट्रेड के लिए फंडिंग प्रोवाइड करती है बट NBFC खुद फॉरेन ट्रेड नहीं करती है। तो आंसर जो है वो क्या बनेगा, NBFC कंपनी को क्लासिफाई करेंगे किसमें, ए बी और सी, बोलो तो फर्स्ट। ओके जी सर, चलो आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड डिटरमाइनिंग कोर्स बिहेवियर, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसको हम यूज करते हैं कोर्स बिहेवियर को कंप्यूट करने के लिए। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कोर्स बिहेवियर को कंप्यूट करना, तो कोर्स बिहेवियर का मतलब यहां पे क्या है, डिटरमाइन करना कौन सी वेरिएबल एंड द फिक्स कोर्स, मतलब आपके टोटल कोर्स को आप कैसे निकालेंगे, टोटल कोर्स को निकालने, टोटल कोर्स के अंदर दो एट्रीब्यूट आते हैं, एक आता है आपका कौन सा फिक्स कोर्स, एक आता है कौन सा वेरिएबल, उनको निकालने के लिए आपके पास में कई सारे मेथड अवेलेबल है। चार बेसिक मेथड आपके पास में अवेलेबल होते हैं, ये आपको बता रखे, आपको ये बताना है इनमें से कौन कौन से कोस्ट बिहेवियर को निकालने के मेथड हैं। तो पहले मैं नीचे आपको थोड़ा डिस्कस कर देता हूं, देखिएगा फोर कॉमन अप्रोच आर यूज्ड टू एस्टिमेट द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल कोस्ट। ओके, एक होता है कौन सा अकाउंट एनालिसिस, एक होता है कौन सा मिक्स हाई लो मेथड, एक होता है कौन सा स्कैटर ग्राफ मेथड, एक होता है कौन सा रिग्रेशन जिसके अंदर लीस्ट स्क्वायर मेथड आता है, ठीक है, x = a + by या y = a + bx, इस तरीके से। तो बोलता है द गोल ऑफ ईच, चारों मेथड का जो मेन गोल है वो क्या होता है, टू एस्टिमेट द कोस्ट, इज टू एस्टिमेट फिक्स एंड द वेरिएबल कोस्ट एंड टू डिस्क्राइब द एस्टिमेट इन द फॉर्म ऑफ, इस तरीके से उसको हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। यहां पे टोटल मिक्स कोस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कोस्ट प्लस यूनिट वेरिएबल कोस्ट इनटू में नंबर ऑफ यूनिट। ओके, तो यहां पे कौन कौन सा है बताइए, हाई एंड लो पॉइंट मेथड होता है, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन होता है, अकाउंटिंग एनालिटिकल होता है, बट नॉन पैरामीट्रिक सर ये यहां पे हम इंक्लूड नहीं कर सकते। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए बी एंड सी, खत्म। चलो आगे,
बोलता है हु आर द पार्टी टू द चेक, चेक की पार्टी बताओ। सर चेक की पार्टी में एक तो ड्रॉयर चेक को लिखने वाला होता है, पे जिसको चेक दिया जाएगा होता है, एक्सेप्टर, क्या एक्सेप्टर होता है सर, एक्सेप्टर की कहानी आती है कहां पे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोले तो, जो आपका बिल्स होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज वहां पे इनकी कहानी आती है, बट यहां पे इसकी कहानी नहीं। देखो बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम लोग जो है वो किसको लेके आते हैं, तीन चीजों को, किस किस को बोलो, एक होता है आपका प्रोमिसरी नोट, एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और एक होता है कौन सा आपका चेक। तो ये एक्सेप्टिंग वाली जो है वो कहानी आती है कहां पे, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। ओके तो यहां पे ये नहीं है। और होल्डर, होल्डर भी, होल्डर कौन होता है, जिसके पास में चेक इस टाइम पे करंटली पड़ा है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, होल्डर। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी एंड डी, खत्म आ गया। बोलते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू द एमबीओ प्रोग्राम फेलियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब जब कंपनी ऑब्जेक्टिव को सेट करेगी, मतलब जब फॉर्म के ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाएगा, तो फॉर्म के ऑब्जेक्टिव को सेट करने में हम एम्प्लॉइज को जो है वो क्या करते हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। यहां पे एक टर्म और भी होती है, वो होता है एमबीई, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। उसका मतलब क्या होता है, एमबी का मतलब जहां पे जब आप कंपनी को जो है एनालाइज कर रहे होते हो, तो जहां पे आपको गड़बड़ी के चांस ज्यादा लगते हैं वहां पे फोकस थोड़े ज्यादा करते हो, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बट यहां पे बात हो रही है किसका, एमबी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जब कभी भी हम कंपनी जो है वो क्या करती है, फॉर्म के लिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो गोल सेटिंग का काम कर रहे हैं, तो गोल सेटिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, बोलो बोलो बोलो, गोल सेटिंग के अंदर सर हम लोग जो है वो लेके आते हैं, किसको लेके आते हैं सर, गोल सेटिंग के अंदर एम्प्लॉइज को लेके आना, उसको बोलते हैं एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो बोलते हैं एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो आपका प्रोग्राम है उसके फेलियर में कौन सा फैक्टर नहीं आएगा। सबसे पहला फैक्टर है अल्टरिंग गोल टू मीट द चेंज इन द सर्कमस्टेंस। अगर कभी सर्कमस्टेंसेस के अंदर बोले तो सिचुएशन के अंदर अगर कभी कोई चेंज हुआ, तो उस चेंज के साथ साथ आपको अपने गोल को भी चेंज कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कर लेना चाहिए सर। अगर आप कर लेंगे ऐसा सिचुएशन के हिसाब से, अगर आप अपने आप को भी चेंज कर लेंगे, अपने गोल्स को भी अगर चेंज कर लेंगे, अपनी स्ट्रेटजी को भी अगर चेंज कर लेंगे, तो क्या आपका प्रोग्राम फेलियर होगा, नहीं सर, फिर वो फेलियर नहीं होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो ये है, जो इसका फेलियर का जो है फैक्टर नहीं है। ओके इसके बाद इजी गोल, लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट, सेटिंग ऑफ द अनरियलिस्टिक डिफिकल्ट गोल, तो ये सब चीजें वो हैं जो फैक्टर बनते हैं किसका, एमबीओ प्रोग्राम के फेलियर का। चलो जी आगे बोलता है, अब ध्यान से सुनना भाई क्या है ये, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन से दो स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। पहली स्टेटमेंट ये है, ए सिंपल मोनोपोली फॉर्म ऑलवेज अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्या मोनोपोली फॉर्म हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। सर लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोली फॉर्म हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, बट शॉर्ट रन के अंदर मोनोपोली फॉर्म जो है वो तीनों सिचुएशन को फेस कर सकती है। बोले तो वो नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, वो मिनिमम लॉस भी उठा सकती है, और वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गई, गलत हो गई है। दूसरा, स्विजी किंग की डिमांड कर, ओलिगोपोली मार्केट में एक ऐसा डिमांड कर होता है, आपको अगर ध्यान हो तो, ये ऐसा ध्यान है, किंग का था बीच में एक मोड़ आता है, तो किंग की डिमांड कर जो है वो दिया था किसने, पॉल स्विजी ने, उसके बारे में बोलते हैं, स्विजी किंग की डिमांड कर इज द बेस्ट नोन मॉडल, वो सबसे अच्छा मॉडल है एक्सप्लेन करने के लिए रिलेटिवली मोर सेटिस्फैक्टरी बिहेवियर ऑफ द ओलिगोपोली फर्म। क्या ओलिगोपोली फर्म के अंदर प्राइस रिजिडिटी पाई जाती है, हाँ जी पाई जाती है। तो क्या ओलिगोपोली फर्म के अंदर आप लोग जो है डिमांड कर को एस्टेब्लिश कर सकते हो, नो सर। तो ओलिगोपोली फर्म के अंदर फिर भी डिमांड कर को सेट करने के लिए पॉल स्विजी ने अपना एक कर्व दिया, जिसको बोलते हैं किंग की डिमांड कर, जो दो कर्व का कॉम्बिनेशन होता है, ऊपर का जो फैक्टर रहेगा, मतलब कर्व का ऊपर का जो हिस्सा रहेगा वो होगा मोर इलास्टिक, और जो नीचे का हिस्सा रहेगा वो होगा लेस इलास्टिक। तो बिल्कुल सही बात है, बी तो ओके है, ठीक है। सी बोलता है, ए परफेक्ट कॉम्पिटेटिव फॉर्म इज प्राइस टेकर, बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर फॉर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है, और जो इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर होती है। सी बी ओके, फॉर्म अंडर द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है ना, मोनोपोली की बात हो रही है, ठीक है ना। अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, क्या वो ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी, फर्म अंडर द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर जो है क्या फर्म ओनली नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, नहीं सर, नॉर्मल प्रॉफिट के अलावा वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, और मिनिमम लॉस भी उठा सकती है। तो ये बात भी जो है वो क्या है, गलत। तो आंसर जो आएगा बी एंड सी, बोले तो थर्ड। चलो चलो चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल द टी 14 डेज का इंटरमीडिएट टी बिल आर बॉट इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1996 से 1997 के अंदर आया आफ्टर एबोल्यूशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको हटाकर 14 दिन का टी बिल हम लेके आए थे, किसको हटाकर उसको लेके आए थे 91 दिन के टी बिल को हटाकर। आज की डेट में तो वैसे तीन चल रहे हैं, 91 के बाद है 182 और एक है आपका कौन सा 364 का। कुछ मैंने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, बिफोर 1996 से 91 टी बिल्स को सोल्ड किया जाता था ऑक्शन बेसिस पे, ऑक्शन के बाद में फिर उसके बाद में जो है 96 के मिड में और उसके बाद जो है हम लेके आए क्या टी बिल कौन सा ऑक्शन को हटाया गया और टैब बेसिस पे लेके आए। फिर द टैब बिल्स वर वेरी कंसिस्टेंटली विद द रेट चेंज इन द बैंक रेट इन 1947 एंड देयर आफ्टर डिस्काउंट रेट जो था टैब बिल पे वो 4.6% जो है वो फिक्स किया गया। 182 दिन का टी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया 1986 में ऑक्शन बेसिस पे। फिर 182 दिन का टी बिल को रिप्लेस कर दिया गया 364 को लाने के बाद में। फिर सब्सिक्वेंटली जब उसको रिप्लेस किया गया तो 91 डे टी बिल वर इंट्रोड्यूस किया गया ऑन एन ऑक्शन बेसिस, कब किया गया जैन 1993 में, एंड व्हेन द 91 डेज एडहॉक बिल आया तो टी बिल को डिसकंटिन्यू कर दिया अप्रैल 1997 में। ओके और इसकी जगह पे 14 दिन का टी बिल जो है उसको अप्रैल 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो थोड़ा सा इसको आप रीडिंग करके जाइएगा, यहां से दोबारा क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है ना। तो मैं ये डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पे विद सॉल्यूशन, ओके तो आप देख लीजिएगा। आइए जी नेक्स्ट बोलते व्हिच ऑफ द व्हिच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द ड्यू डेट ऑफ द इश्यू ऑफ द TDS सर्टिफिकेट। तो TDS का सर्टिफिकेट जो टैक्स डिडक्टर होता है वो टैक्स काटने के बाद में जो है वो क्या करता है सर्टिफिकेट इश्यू करता है डिडक्टी को, अब वो किस किस केस में होता है। तो फॉर्म 16 एनुअली जाता है, फॉर्म 16 एक क्वार्टरली जाता है, फॉर्म 16 बी, फॉर्म 16 सी, क्या ये हाफ ईयरली या मंथली जाते हैं? नहीं सर, ये ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए मैंने कुछ लिखा, फॉर्म 16 है TDS ऑन द सैलरी पेमेंट के लिए, ये जाता है ईयरली। फॉर्म 16 ए TDS ऑन द नॉन सैलरी के लिए, ये जाएगा क्वार्टरली। फॉर्म 16 बी होता है सेल ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपने प्रॉपर्टी को सेल किया तो उस टाइम पे जो है जिसको आपने पेमेंट किया वो पर्सन जो है मतलब पेमेंट करने वाला पर्सन जो है वो क्या करेगा TDS कटेगा, और वो कब कटेगा, और जो रिटर्न वो जो उनकी जो फाइल करेगा रिटर्न वो कब करेगा, वो करेगा हर ट्रांजैक्शन के बाद में। और फॉर्म 16 सी होता है किसके लिए, TDS ऑन द रेंट, जब हम रेंट का पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करते टाइम हम लोग जो है वो टैक्स काट लेंगे, तो उसकी भी डिडक्शन जो आप करेंगे और कब आप इश्यू करेंगे एवरी ट्रांजेक्शन के बाद में करेंगे। तो यहाँ पे ईयरली और ये जो था ना हाफ ईयरली मंथली इसका कोई केस नहीं होता। तो पहला और दूसरा जो है वो एकदम सही है, लेकिन सी और डी सही नहीं है। आगे इन द रिसेंट ईयर बोले रिसेंट ईयर्स के अंदर द मेजर गेन, जो मेजर गेन हुआ लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी के अंदर वो क्या हुआ है। लॉजिस्टिकल मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में आज की डेट में जो सबसे जो इंपॉर्टेंट गेन हुआ है वो क्या हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, तो वो क्या एडवांसेस इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारा आईटी सेक्टर है वो बहुत ही एडवांस हो गया है। तो आज की डेट में देखिएगा आप कुछ अमेजोन से अगर कोई सामान मंगाते हो तो इमीडिएटली आपको जो है वो क्या आप उसको स्कैन कर सकते हो, आप देख सकते हो आपका सामान कहां कहां पर पहुंचा है, डॉकेट नंबर आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके थ्रू जो है वो आप कंसर्न जो भी आपका साइट है वहां पर जाकर आप स्कैन कर सकते हो कि आपका जो कंसाइनमेंट है कहां तक पहुंचा है। तो ये क्या बोलता है, बोला रिसेंट ईयर में मेजर जो गेन हुआ इन द लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी हैव कम फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसकी वजह से हुआ, वो आया एडवांस इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे इसके बाद फंक्शन ऑफ द फर्स्ट लेवल और द फ्रंट लेवल सुपरवाइजर, जो फ्रंट लेवल के ऊपर जो काम करते हैं जैसे फर्म है मान लो कोई कंपनी है या फिर कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर जो पर्सन होता है सुपरवाइजर, तो उसका क्या क्या ड्यूटी होती है। तो मतलब सभी लोग काम कर रहे हैं तो वो टोपी पहन के जो घूमता रहेगा देखता रहेगा सभी लोग सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या उनकी कोई कंप्लेंट है तो उसको रिजोल्व करने का काम करेगा। तो वो जो आपका फ्रंट लेवल के ऊपर या फर्स्ट लेवल के ऊपर जो या फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर जो होता है तो उसके यहाँ पे जो है वो फंक्शन पूछे गए हैं। सबसे टू डिटरमाइन इंडिविजुअल जॉब असाइनमेंट, हर पर्सन की हर पर्सन क्या काम करेगा वो ये सब जो है वो डिसाइड कौन करके देगा आपको, सुपरवाइजर, जी बिल्कुल सही है। टू अटेंड टू ग्रीवियंस एंड द रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई उनकी शिकायत है उसका निपटान करेगा करेगा। टू प्रोवाइड टेक्निकल नॉलेज, अपने वर्कर्स को टेक्निकल नॉलेज भी देगा कि कैसे मशीन को रन करना है करेगा। टू सप्लाई स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को जो है वो बताएगा कि किस तरीके से प्रोडक्शन यूनिट को और भी जो है वो स्ट्रॉन्ग या फिर रोबस्ट किया जा सकता है। तो ये सारे काम जो है वो करता है कौन, फर्स्ट लेवल या फ्रंट लाइन सुपरवाइजर। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑल ऑफ देम ए बी सी एंड डी। आगे बढ़े इन एन ई कॉमर्स, अगर हम बात करते हैं ई कॉमर्स का, वन ऑफ द की डिजाइन एलिमेंट, सबसे मेन एलिमेंट जो है इफेक्टिव वेबसाइट का, वेबसाइट कम्युनिटी
इफेक्टिव वेबसाइट कम्युनिटी, तो वो कौन सा है? तो देखो ई कॉमर्स के अंदर जब कम्युनिटी की बात आएगी तो कम्युनिटी के लिए सबसे अच्छा एलिमेंट जो है वो क्या है कि कम्युनिटी में आने वाले लोग जो है वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। तो इसका आंसर जो बनता है वो क्या है, दी वेबसाइट अनेबल वेबसाइट एसईओ, जिसके अंदर क्या हो यूजर टू यूजर कम्युनिकेशन। जैसे आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ OLX, OLX के ऊपर आपने देखा कि आपने अगर एड डाल दिया तो नीचे उसमें ऑप्शन आते हैं कि आपको एक चैट का ऑप्शन आएगा, एक मेक ऑफर का ऑप्शन आएगा, ओके। और जब आप चैट के ऑप्शन पे जाओगे तो आप डायरेक्टली जिस पर्सन ने OLX के ऊपर जो है वो ऐड डाली आप उसे डायरेक्टली जो है वो चैट कर सकते हो और जो भी प्राइस है उसमें नेगोशिएशन कर सकते हो। तो यहां पे जो है वो क्या बोलता है, बोलता है ई कॉमर्स के अंदर वन ऑफ द की एलिमेंट जो फैक्टर है जो वेबसाइट के अंदर होना चाहिए वेबसाइट कम्युनिटी में वो क्या होना चाहिए, द वेबसाइट अनेबल यूजर टू यूजर कम्युनिकेशन। आगे नेक्स्ट बोलता है सम टोटल ऑफ द, अब ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है, सम टोटल जो है ऑफ द वैल्यू ऑफ द टू वेरिएबल, दो वेरिएबल एक्स और वाई वेरिएबल इज इक्वल फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन के अंदर उन दोनों का जो सम आएगा एक्स प्लस वाई वो क्या आएगा इक्वल आएगा, द वैल्यू ऑफ द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, तो बताइए उस टाइम पे वैल्यू जो होगी कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन की वो क्या होगी, तो वो होगी माइनस वन, परफेक्ट नेगेटिव। वो कैसे, एक्स मैंने ले लिया मान लो 1 2 3 4 5, वाई ले लिया मैंने 5 4 3 2 1, दोनों का टोटल करके देख लो हर उसमें ए पर बी पर सी पर डी पर ई पर किसी भी ऑब्जर्वेशन पे जाके देख लो, ए अगर ए उसको यूनिट को मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो भी टोटल 6, बी को करता हूँ तो भी टोटल 6, सी करो डी करो ई करो सब पे जो टोटल आएगा वो क्या आएगा आपका 6 आएगा। तो इस केस के अंदर बताइए वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट जो है वो क्या रहेगी, वो रहेगी परफेक्टली नेगेटिव, ओके। हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, आईबी का क्वेश्चन पूछा, इंटरनेशनल बिजनेस में बिजनेस एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है उसका ये क्वेश्चन पूछा गया, साइज ऑफ द मार्केट और यहाँ पे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की बात हो रही है, साइज ऑफ द मार्केट किसका है मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, डेमोग्राफिक किसका है नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट वो यूनिट जिनका मेन काम कंट्री से एक्सपोर्ट को प्रमोट करना होता है तो वो किसका पार्ट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो पार्ट है किसका ग्लोबलाइजेशन ऑफ द बिजनेस, क्योंकि जितना बिजनेस ग्लोबलाइज होंगे उतना ही एमएनसी का रोल बढ़ता जाएगा। आगे मैच द फॉलोइंग, कुछ कमेटी है ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ रिफॉर्म्स हुए थे उनकी कुछ कमेटी है तो आपको जो है मैच द फॉलोइंग करना है, ये तो फैक्ट एंड फिगर का क्वेश्चन है लर्न करना पड़ेगा। वाई वी रेड्डी कमेटी जो है आई थी किसके लिए रैशनलाइजेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट ऑफ द स्मॉल सेविंग के ऊपर, राशिद जिलानी कमेटी आई थी किसके लिए रिवाइज मेथड लेके आए थे इसमें लेंडिंग इन प्लेस ऑफ द कैश क्रेडिट सिस्टम, एस एम केलकर कमेटी आई थी किसके लिए आरआरबी के लिए, और आई टी वेस कमेटी आई थी किसके लिए वर्किंग कैपिटल लेंडिंग नॉर्म्स के लिए। तो ये तो कुछ चीजें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। आगे बोलता है इन द केस, अब ध्यान से सुनना, बोलता है इन द केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू बी एक्सप्लेन थ्रू द ऑर्डिनल, अगर बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझाना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो अप्रोच होती है, एक होता है कौन सा कार्डिनल और एक होता है कौन सा ऑर्डिनल, एक और भी होती है उसको बोलता है रिवील्ड प्रेफरेंस, ओके। बट रिवील्ड प्रेफरेंस के क्वेश्चन अपने पेपर के अंदर नहीं आते, अपने यहां पे दो चलती है, एक है कार्डिनल और एक कौन सा ऑर्डिनल। तो क्या बोलता है इन द केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू बी एक्सप्लेन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया गया अगर थ्रू एन ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ओके। When there are two commodity with their price given and with limited income of the consumer, the following information is required. उसके लिए सब information चाहिए। क्या क्या चाहिए? Price line, budget line चाहिए? हाँ जी चाहिए। Indifference map चाहिए। Point of divergence चाहिए। Equality of slope चाहिए। अब इनके बेस पर question जो है वो आपसे ये demand कर रहे हैं। Arrange करो following information required को in the correct sequence and choose the right option from these those below। अब आपको बताने इनमें सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे क्या आएगा, चौथे पे क्या आएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ बनाया। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग आपके पास इंडिफरेंस कर्व होते हैं। हाँ जी, तो अलग अलग जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको एक बार को। जब भी आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हो तो सबसे पहले जो है वो आएंगे अलग अलग तरह के क्या आईसी, आईसी बोलते हो इंडिफरेंस कर्व, आईसी वन आईसी टू आईसी थ्री। फिर इसके बेस पर आप लोग जो है वो डिसाइड करते हो, यहाँ पे एक हो गया आपके बजट लाइन जिसको मैं लेक्चर में बोलता था औकात की लाइन, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है वो क्या होगा इक्वालिटी होगा, यहाँ पे आपका दोनों चीजें इंडिफरेंस कर्व इक्वल होगा किसके बजट लाइन के, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। और इस पॉइंट पे ये यहाँ पे जो है वो क्या होगा, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसकी टेंजेंट होगी इसके, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ये जो आपका आईसी कर्व है वो टेंजेंट होगा, आईसी कर्व जो है वो क्या है टेंजेंट है किसके आपके बजट लाइन के। तो यहाँ पे स्लोप जो है वो मतलब यहाँ पे जो सीक्वेंस बनने वाली है वो क्या बनेगी, सबसे पहले नंबर पे आएगा इंडिफरेंस मैप, हाँ जी मैप 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 के बाद में फिर हम ड्रॉ करेंगे क्या बोलो बजट लाइन, फिर जहां पे वो उसको टच करेगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या
इक्वलिटी तो स्लोप आ जाएगा और उसके बाद में फिर जो है वो क्या आएगी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहां पे बिटवीन आईसी एंड द बजट लाइन, जहां पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2। ओके जी सर, आगे फिर बोलता है विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ साइबर अटैक, ये क्वेश्चन लीगल एस्पेक्ट का है और बोलता है इनमें से कौन से तरह का साइबर अटैक में आकर इन द प्रोसेस ऑफ मोबाइल बैंकिंग। तो अगर बात करेंगे, सॉरी लीगल एस्पेक्ट बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन है आपके बैंकिंग का। तो बोलता है मोबाइल बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें से कौन से तरीके का साइबर अटैक जो है वो दिखता है। तो यहाँ पे चार तरह के अटैक दे रखे हैं, इनमें से आंसर जो है वो तो वैसे आएगा बैकडोर, डिनाइल ऑफ सर्विस और डिनाइल असेस, ठीक है, फ्रंट डोर नहीं आएगा। तो इसका क्या क्या है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये है क्या। बैकडोर अटैक का मतलब जो है वो क्या होता है, ए बैकडोर इज ए मालवेयर टाइप डेट नेगेट नॉर्मल ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर टू असेस ए सिस्टम, जो आपके असेस को जो है वो क्या कर देगा, रोक देगा, ऑथेंटिकेशन को रोक देगा। एज ए रिजल्ट रिमोट असेस इज ग्रांटेड, और जो है यहां पे बैकडोर पे क्या होगा, रिमोट असेस ले लिया जाएगा, मतलब कोई और पर्सन जो ऑथेंटिक नहीं है वो जो है आपके कंप्यूटर को या आपके डेटाबेस को जो असेस कर सकता है, उसको बोलते हैं बैकडोर। डिनाइल ऑफ सर्विस के अंदर बेसिकली क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि मशीन शट डाउन कर दिया, मान लो बैकएंड से जो है किसी पर्सन ने सिस्टम को हैक कर लिया, मशीन को ही बंद कर दिया, उसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस, अब आपको जो सर्विस है वो नहीं मिल पाएगी। और कई बार था असेस, डिनाइल ऑफ असेस अटैक, इसमें क्या होता है, ए डायरेक्ट असेस अटैक इज एन अटैक वेयर ए हैकर इज एबल टू गेन असेस टू द कंप्यूटर एंड बी एबल टू डायरेक्टली डाउनलोड डेटा फ्रॉम इट, और डायरेक्टली वहां से वो डेटा को क्या करता है, डाउनलोड कर रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिनाइल ऑफ द अटैक असेस अटैक। तो ये तीन तरह के जो है वो अटैक होते हैं, लेकिन फ्रंट डोर अटैक जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तो अगर मोबाइल बैंकिंग की अगर बात की जा रही है यहां पे, तो उसके अंदर साइबर अटैक है वो कौन सा, बैकडोर है, डिनाइल ऑफ सर्विस है, लेकिन और डायरेक्ट असेस अटैक होता है, लेकिन यहां पे कभी भी जो है वो फ्रंट डोर अटैक की बात नहीं होती है। आगे मैच द फॉलोइंग, अब यहाँ पे कुछ आपकी इकोनॉमिक्स की कुछ थ्योरी है और उनके प्रोपाउंडर है। सबसे पहले प्रॉफिट एज अ रेंट ऑफ एबिलिटी, ये थ्योरी दिया था किसने, एफ ए वॉकर ने। डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दिया था क्लार्क ने। रिस्क थ्योरी दिया था किसने, हॉले ने। और इनोवेशन थ्योरी जो है वो प्रोपाउंड किया था किसने, स्कंपीटर ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है क्या, ओन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन, इनमें से कौन से अजम्पशन के बेस पर द थ्योरी ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर ओन कार्डिनल यूटिलिटी, कौन सी की बात हो रही है, कार्डिनल पहले वाले जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स के अंदर मेजर कर सकते हैं, इज नॉट बेस, ये कुछ अजम्पशन है। इनमें से कौन सी अजम्पशन कार्डिनल यूटिलिटी का अजम्पशन नहीं है, पहला कंज्यूमर रैशनल होता है, लिमिटेड मनी ऑफ इनकम होती है, मैक्स और उस लिमिटेड इनकम से क्या आप अपनी वॉन्ट्स को या सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहते हो, करना चाहते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, क्या आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है मनी की वो डिमिनिश होती है, नहीं सर, यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट। तो ये आपका आंसर आएगा, ये इसकी अजम्पशन नहीं है। ओके हाँ जी, लो जी आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो क्या किया, 20 क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस किया। इसको आप तरीके से कर लीजिएगा, इसके पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, इसको बढ़िया तरीके से आप कर लीजिए। और दूसरा पेपर के अंदर आजकल जो है जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पेपर 2 में वो आ रहे हैं, मालूम किसके, पैराग्राफ के, किसी क्वेश्चन मालूम, पैराग्राफ के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम लोग जो है वो हर अल्टरनेट डेज के अंदर जो है वो पैराग्राफ को भी जो है वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5-5 क्वेश्चन के पैराग्राफ जो है, मतलब 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, 2 अनसीन पैसेज आते हैं और उनको आपको सोल्व करना पड़ता है, तो हम लोग भी जो है वो इसको लेके आएंगे। पैराग्राफ कैसा था पेपर में, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं इन्फॉर्मेशन के तौर पर, 2 तरीके के पैराग्राफ आएंगे। एक तो आएगा ऐसा, 5 क्वेश्चन तो इस तरीके के होंगे, ऊपर आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और नीचे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी पैराग्राफ में से ही होंगे, जो 5 क्वेश्चन होंगे वो इसी पैराग्राफ में से होंगे। और एक आएंगे आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ऊपर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के अंदर कोई पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे या फिर उस पैराग्राफ के अंदर कोई जो है वो टॉपिक आपको बताया जाएगा और उस टॉपिक से रिलेटेड मतलब एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, कि ये टॉपिक है। और उसके बाद जो 5 क्वेश्चन आपको नीचे मिलेंगे वो 5 क्वेश्चन जो है वो इससे अनरिलेटेड होंगे, मतलब वो क्वेश्चन आपको इस पैराग्राफ के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। तो 2 तरीके के पैराग्राफ आपके यहां पे आएंगे, एक तो ऐसा जिसमें ऊपर पैराग्राफ है नीचे 5 क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन उसी पैराग्राफ में से, और एक पैराग्राफ ऐसा आएगा जिसमें ऊपर पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ के थ्रू आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दिया गया किसी टॉपिक के बारे में, और फिर नीचे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, वो ऊपर पैराग्राफ में से नहीं होंगे। ओके जी सर, तो हम लोग जो है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं डेली अल्टरनेट डेज के अंदर। जैसे मान लो आज मैं अगर कराऊंगा तो कल ना छोड़ के परसों फिर दोबारा करा दूंगा, तो लगभग कोई 20-25 जो है वो पैराग्राफ मैं आपको करवा दूंगा, ताकि पेपर में जब आप जाएंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ही
अप हो, ओके। और अब जो हम ये एमसीक्यू स्टार्ट करें, आ तो शुरुआत की है हमने, ठीक है, तो अब आगे धीरे धीरे जो है उसको बढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन के जो अमाउंट है वो लगातार आपका बढ़ता रहेगा, ओके। तो जैसे आज 20 कर लिए, कल 25 करेंगे, 30 करेंगे, 35 करेंगे, 100, 200, इस तरीके से हम लोग जो है वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैं करवा रहा हूँ, प्लीज अब आप इसमें डिले मत कीजिएगा, इसको इसी तरीके से आप करते रहें और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाएगा, ओके जी सर। चलो ये आप कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।